नमस्कार दोस्तों, आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स में मैं अरुण एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में, इस समय मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक एल्कलाइन फिल्टर है। ये एल्कलाइन फिल्टर जो है बेसिकली ये एल्कलाइन प्लस कॉपर कैंडल है। ये एक यूज़ किया हुआ हमारे पास फिल्टर है, एल्कलाइन प्लस कॉपर फिल्टर, जो कि लगभग 1-1.5 साल हो गया है इसे लगाए हुए। तो इसे निकाल लिया गया, इसके जगह पे दूसरा फिल्टर लगा दिया गया है। तो ये मेरे पास पड़ा हो तो कई बार आपके कमेंट आते हैं, अरुण जी एक बार इसे खोल के दिखाइए, इसके अंदर क्या चीज़ रहती हैं, जो बोल्ट्स वगैरह जो रहती हैं, ये क्या बोल्ट्स रहती हैं, इनका क्या काम रहता है और इनका क्या नाम रहता है, किस नाम से इन्हें जाना जाता है, तो किस टाइप से हमारे पानी का बेसिकली हमारा ये जो एल्कलाइन फिल्टर है या मिनरल फिल्टर बोल लीजिए, एल्कलाइन फिल्टर बोल लीजिए, इसका काम बेसिकली यही रहता है कि पानी का जो पीएच है ये एनहेंस करती हैं। पानी का पीएच अगर एसिडिक पानी है तो उसको एल्कलाइन पानी बनाती है, पीएच लो है तो पानी के पीएच को बढ़ा देती हैं। जब पानी इन 5-6 स्टेज से होके आता है, यहाँ अगर एसिडिक पानी जा रहा है तो यहाँ जब आउट जाएगा, ये ऐसे अगर इसमें आउट जाएगा तो हमारे आरओ, हमारा अगर आरओ में अगर इसे यूज़ किया जाता है तो पानी का पीएच बढ़ जाता है। तो ये कुछ स्टोन्स वगैरह हैं, बोल्ट्स वगैरह हैं, तो इन्हें मैं खोलता हूँ। बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, देखिए इसमें पानी जो चलता है, पानी की डायरेक्शन हमारी इस टाइप से रहती है। यहाँ फाइनल स्टेज पे हमारा ये कार्बन रहता है, तो कार्बन वाला पॉइंट, अगर कार्बन है हमारा, जिस साइड में कार्बन हमारा रहेगा वही वाला पॉइंट हमारा आउट रहेगा, मतलब इन हमारे यहाँ से रहेगा, आउट यहाँ से रहेगा। तो इसे मैं खोलता हूँ, ये इस टाइप से इसे यहाँ से खोला जाएगा, इसे खोल लेते हैं इस टैप से। खोलने के बाद जो है ये इस टैप से इसका ये कैप है, बहुत अच्छे से इसकी पैकिंग की गई है। यहाँ पर एक सिलिकॉन का ओरिंग है ताकि लीकेज वगैरह ना आए, लेकिन कई बार इसमें लीकेज आ भी जाती है तो ऐसी घबराने की कोई बात नहीं होती। ये नहीं है कि ये हमारी वेस्ट होगी, यहाँ इस पोर्शन पे आप टेफ्लॉन टेप लगा के इसे दोबारा से टाइट कर सकते हैं, या अगर आप इसे नया लगा ही रहे हैं तो टेफ्लॉन टेप लगा के तभी इसे लगाइए। अब इस टाइप से इसमें एक ये नेट लगा हुआ है, जाली लगी हुई है। तो ये जो है हमारा, ये देखने में हमारा जो लग रहा है ये कार्बन की टाइप से लग रहा है, इसे मैं निकाल लेता हूँ। ये जो है हमारा, ये देखिए ये हमारा एक जाली है और ये हमारा स्पंज एक है ताकि यहाँ से पानी जो है फिल्टर होके जाए। तो एक बार इसे निकाल लेते हैं इस टैप से, क्योंकि जम गए हैं। चलो ये तो हमारा निकल ही चुका है। अब इसके साथ ही आप ये देख रहे होंगे एक नेट और भी इसमें से निकला है, इसकी लेयर्स बनी हुई हैं बेसिकली। अब इसे भी हम दूसरे उसमें डाल लेते हैं, ये इस टैप से थोड़ा गीला है इसलिए ये इस टाइप से बोल्स हमारी और निकल गए। ये सारी हमारी बेसिकली इनका काम यही रहता है, पानी का पीएच मेंटेन करती हैं ये, या यूँ बोल लीजिए कि पानी का पीएच बढ़ा देती हैं अगर लो पीएच का पानी इसमें जा रहा है। इसमें हमारी जो हैं, थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, दिखा भी देता हूँ एक बारी, ये कुछ हमारी मिनरल बोल रहती हैं, एल्कलाइन बोल्स वगैरह रहती हैं इसमें, ये हमारी एंटी बैक्टीरियल बोल्स वगैरह, या इसे राइस बोल भी बोलते हैं, एंटी बैक्टीरियल बोल्स वगैरह भी हैं। अब इसमें ये हमारा कार्बन भी है, ये जो हमने इसमें दिखाई, ये कार्बन के टाइप से देखने में लग रहा है तो कार्बन ही हम इसे मान के चलेंगे। और ये बीच में जो है इसकी शाइनिंग अब इसकी थोड़ी डल हो चुकी है, ब्लैक कलर हो गया बेसिकली जब ये नया लगाया जाता है। तो इसके अंदर ये जो हमारे कॉपर के ग्रैनुल्स जो हैं, तो ये भी अभी आपको आगे खोल के दिखाता हूँ, इसे निकाल के दिखाता हूँ। ये कॉपर के ग्रैनुल्स होते हैं जो कि अब ब्लैक पड़ चुके हैं, जबकि जब ये नए होते हैं तो पूरा कॉपर का कलर इसमें दिखाई देता है। तो वन बाई वन इसे निकालता हूँ मैं, तो एक और इसमें जाली है, इसे भी निकाल देते हैं हम। चल ठीक है, हेलो। तो ये एक लेयर हमारी और आ गई, ये ग्रैनुल्स की, ये देखें, ये हमारी सारी पीएच बोल्स हो रही हैं, मिनरल बोल हो गई, पीएच बोल्स हो गई, एक्टिवेटेड कार्बन हो गया,
ग्रैनुल्स हो गया और एंटी बैक्टीरिया बॉल्स वगैरह होगी। ये देखिए, अब इन्हीं से जब पानी होके आता है तो हमारे पानी का जो पीएच है वो बढ़ जाता है। इस स्टेप से अब ये हमारी एंटी बैक्टीरियल बॉल्स वगैरह आ गई। ये जो फाइनल जो इसमें निकलेगा, फाइनल तो खैर नहीं है, फाइनल तो अभी और भी स्टेज है, लेकिन ये वन बाय वन करके इसमें जो नेट भी लगा रखा है, जाली भी लगा रखी है ताकि ये हमारी, ये आप देख सकते हैं, अब दिखाते हैं आपको हमारे जो कार्बन जो है इसमें, सॉरी कार्बन तो हमारा निकल चुका है, अब हमारा जो कॉपर की जो इसमें जो बॉल्स वगैरह हैं, ये क्या चीज़ है, कैसे हैं, और ये ब्लैक पड़ चुकी हैं। तो दोस्तों ये है हमारी कॉपर की बॉल्स वगैरह, तो इसमें ये जो चीज़ है ये थोड़ा अलग चीज़ दिया हुआ है। ये देखिए, ये हमारी कॉपर की बॉल्स हैं, ये इनका वेट अगर मैं करूं तो ये वेट में हैवी है कंपेयर टू ये अदर्स जो इसमें बोल्ट्स वगैरह जो हैं उनसे ये हैवी है, और ये ब्लैक पड़ चुकी है। इससे अगर हम ऐसे करते हैं तो देखते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वाइटनेस इसमें नहीं आई है। तो ये कॉपर की हमारी बोल्ट्स इसमें दी हुई हैं। इसके बाद एक और ले लेते हैं, ये सारे ही हमारे पानी का पीएच एनहेंस करने के लिए, पानी में मिनरल ऐड करने के लिए मिनरल बॉल्स हो गई, ये सारी हमारी इसके अंदर लगी हुई हैं। ये थोड़ा दिक्कत हो जाती है काम करने में, तो ये आप देख सकते हैं ये सारे मैंने इसमें ग्रैनुलर्स बॉल्स वगैरह सारे निकाल के रख लिए हैं मैंने। ये हमारी एंटी बैक्टीरियल बॉल्स वगैरह हो गई, बैक्टीरिया वायरस वगैरह के, बैक्टीरिया वगैरह करके इसमें ताकि ग्रोथ हमारे पानी में और ना हो। ये हमारा हो गया कॉपर के ग्रैनुलर्स वगैरह जो इसमें डले हुए थे, एक्टिव कॉपर, जब इससे पानी हो के आता है तो ये कॉपर की प्रॉपर्टीज हमारी पानी में ऐड होती हैं। ये हमारा ब्लैक सिलिका बॉल्स हो गई। तो जब ये 6-7 टाइप के जब हमारे जो हमारी सारी बॉल्स हैं जब मिलती हैं स्टेप बाय स्टेप, इनसे पानी जब फिल्टर होके आते हैं तब हमारे पानी का पीएच बढ़ जाता है। बेसिकली ये हमारी मिनरल बॉल्स हो गई, पीएच एनहेंस करने वाली बॉल होगी, एल्कलाइन बॉल्स वगैरह होगी। तो ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके कई बार ऐसे कमेंट आ रहे थे अरुण जी एक बार इसे काट के दिखाओ, वीडियो बनाओ उस पर, तो ये आज आपकी डिमांड पे मैंने इसे काट दिया है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।